हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। सो आज पूरा फैमिली के साथ हम लोग जाएंगे मेला, दुर्गा पूजा का मेला। इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं होता मगर मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। आज का ब्लॉग का बात करें तो ये दुर्गा पूजा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। पूरा फैमिली के साथ जाएंगे दुर्गा मेला घूमने, और मेले के साथ और भी कोई यूट्यूबर्स हो सकते, वहाँ भी मिल सकते हो किसी से भी, पता नहीं आएंगे तो मिल लेंगे। आज पूरा ब्लॉग कंटिन्यू बना रहेगा। देखिए कैसे बनता क्या नहीं। कोई और अगर यूट्यूबर्स मिलते हैं जिसको जानते हैं तो उसका चैनल उसके साथ हम मेंशन कर देंगे। ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम लोग जाने वाले दुर्गा मंदिर। देख सकते हो आगे दुर्गा मंदिर में भीड़ है। हम लोग पूजे से भी हम लोग को पूरा भीड़ आ रहा है, और हम लोग अभी दुर्गा मंदिर की तरफ रवाना हो चुके हैं। अभी हम लोग टाइम लग रहा है थोड़ा पहुंचने में, क्योंकि आगे वहाँ जो पेड़ है आगे वाला, तो उसके पास मंदिर है। तो देख सकते हो यहाँ से भीड़ आ रहा है, वहीं पर मंदिर हम लोग को। तब तक के लिए ब्लॉग को लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा कटअप के साथ ब्लॉग को बनाते हैं। देख सकते हम लोग पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा देर है, उसके आगे जाकर हम पहुंच जाएंगे मंदिर के पास। सो यहाँ काली मंदिर, इधर देखिए तो खेत है पूरा, माँ दुर्गा, और ये बैंक है, अभी भी अधूरा है, SBI बैंक। कृपया यथाशक्ति दान दे और मंदिर निर्माण में सहयोग करें। इधर यूनो बैंक है, देख सकते हैं लिखा हुआ यूनो बैंक। पैसा ही पैसा हो गया। आगे जाकर हम लोग थोड़ा सा ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, मेला ही पहुँचने दीजिए। अच्छा, तो गाइस मंदिर हम लोग पहुँच चुके हैं। मंदिर के सामने एक ब्लॉग बन रहा है, देख सकते हो खिलौने का दुकान, इधर पूरा खिलौने का दुकान लगा हुआ है, और मंदिर प्रांगण से सामने एकदम दुकान से भरा हुआ है, और देख सकते हो मंदिर की तरफ भीड़ है। आज मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम लोग थोड़ा कंट्रोल में दूर में रहते हैं, भीड़ में नहीं जाएंगे। देख सकते हम लोग यहाँ मिठाई खरीद रहे हैं। मंदिर प्रांगण के सामने ही दुकान बना है मेला में, हम लोग वहीं पर मिठाई सब खरीद रहे हैं। ये मेन रोड के बगल में है। गाइस तो देख सकते हो यहाँ पर मंदिर के साइड में ऊपर मुकुंदा मंदिर समिति, इधर सब रहती है, और इस साइड तालाब है, और ये रहा सोनू। चला से दुकान लगा हुआ है, बादाम की दुकान, इधर इधर प्रसाद सामान देख सकते हो, इधर सब मंदिर के सामने ही खड़े हैं, और सब मंदिर को प्रसादी वितरण हो रहा है इधर से, मतलब प्रसाद खरीद सकते हो आप। यहाँ पर ये सुविधा प्रस्तुत किया गया कि प्रसादी खरीद सकते हो। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा वहाँ, देखो मंदिर है इधर, आप इधर देख सकते हो मंदिर समिति के साथ सब मेम्बर सब है, अरे मंदिर है पूरा। अभी मंदिर के अंदर भोग लगेगा, तो इसलिए सबको बाहर रखा हुआ है, एक टाइम बाद पर्दा खुलेगा। देख सकते हो इधर भीड़ पीछे तरह का मेला का व्यू, तो इधर पूरा मेला में भीड़ लगा हुआ है। लेकिन दक्षिणा देने नहीं भूलिएगा, मंदिर में भूल जाने से भी टेबल में आके। इधर मेले में दो कैटेगरी बांटा गया, एक तो लड़के जाएंगे एक तो लड़कियां जाएंगी, और दोनों मंदिर प्रांगण के अंदर इसी रास्ते से जाएंगे, और उसका अपोजिट डायरेक्शन से देख सकते हो वहाँ पर, वहाँ से निकला जाएगा, इधर से अंदर जाएंगे और उस साइड से निकला जाएगा। इधर देख सकते हो यहाँ फ़ोटो क्लिक हो रहा है, हम लोग भी जाएंगे फ़ोटो क्लिक कराएंगे, और देख सकते हो यहाँ पर मंदिर बना है, पहले ही बना है। मंदिर से अंदर से मेरे फैमिली मेम्बर निकल चुके हैं। ये मंदिर है, मंदिर समिति, और इधर मेरा मेला लगा हुआ है। ये मुकुंदा में स्थित मंदिर है, दुर्गा मंदिर। हम लोग अभी मंदिर प्रांगण से निकल कर आइसक्रीम खरीदने जा रहे हैं। दस का आइसक्रीम दिए ना तीन को, दस का आइसक्रीम तीन गोली है। इतनी
इतनी खुशी मुझे आज तक। दस का इसके तीन को लेकर हम लोग घर निकल चुके हैं, जाके फैमिली को देना है। ये रहा दीप, मिस्टर बॉस कैसे हो? चिंदी ब्लॉगर गजब बेइज्जती है। चिंदी ब्लॉगर नहीं है, चल हमें सर तो मिल लेते थोड़ा। तो इधर हम लोग को मेन रोड है, मेन जो बजापुर, तो बजापुर से ये रोड जोड़ती है झरिया को मेन, और इस साइड देखो तो पूरा मेला लगा हुआ है। तो हेलो गाइस, देख सकते हो ये चश्मे। अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। प्रतीक। इसका नाम प्रदीप है। सो मंदिर प्रांगण से हम लोग दूर आ चुके हैं और यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा है, और ये सोनू भी नीचे आइसक्रीम खा रहा है बैठ बैठ के, खा नहीं रहा, गिरा रहा नीचे। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता। हाँ, ये मामा का घर है, तो अभी जाएंगे अंदर थोड़ा देर, उसके बाद ही कुछ और आगे का प्लानिंग होगा। तब तक के लिए बाहर का व्यू दिखाते हैं, सेंट थॉमस स्कूल इस साइड, और ये मंदिर, और ये गाय मेरे पीछे पड़ी है। ये गाय तो बहुत बदमाश निकला, पीछे का पड़ गई, गजब बेइज्जती है, गाय मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तब तक के लिए जाते हैं हम लोग, थोड़ा अंदर ब्लॉगिंग करेंगे, नहीं ये फैमिली घर है तो यहाँ ब्लॉग नहीं होगा, थोड़ा बाहर निकल कर ब्लॉग लास्ट में होगा। सो तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।